नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की खबर रामगढ़ से। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में दीपोत्सव रंगोली गंगा आरती का आयोजन किया गया। जी हां, उपायुक्त ने कहा कि पानी के हर बूंद को जीवन के रूप में बचाए। जिला प्रशासन द्वारा प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा के दामोदर भैरवी संगम पर स्थित मंदिर परिक्षेत्र में रंगोली दीपोत्सव गंगा आरती किया गया। जी हां, बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद उपायुक्त श्री संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जी हां, अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा लोगों को दामोदर भैरवी सहित अन्य नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जी हां, हमें जल संरक्षण की हर विधि को भरपूर इस्तेमाल करना होगा एवं वर्षा जल सहित अन्य माध्यमों से निकलने वाले जल का भी संचयन करना होगा। कार्यक्रम के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद थे। इन दो विषयों पर लोगों को कैसे जागरूक कर सकें, जो भी काम जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों के माध्यम से किए जा रहे हैं उनमें स्थानीय लोगों की सहभागिता और लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि किस चीज़ का बोध हो, इस चीज़ का एहसास हो कि क्यों हम लोगों को जल संवर्धन की, क्यों जल संरक्षण की ज़रूरत है। हमारे आसपास में, हमारे ज़िले में, राज्य में, गाँव में जो जल स्रोत हैं उनको हम लोग सबसे पहले तो कैसे ये सुनिश्चित करें कि हम हमारे पूर्वजों से जिस स्थिति में हमको मिले हैं कम से कम हम लोग उस स्थिति में उनको बरकरार रखें। आप में से जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि अगर अपने बचपन की याद से 15-20 साल पहले का भी आप याद करें तो बहुत सारी वाटर बॉडीज छोटे पोखर तालाब गाँव स्तर पर लगभग कमोबेश सब जगह दिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप उनकी संख्या देखें तो या तो वो लुप्त हो गए हैं, चाहे अप्रोच हो के या जहां उनके पानी भरने के जो रास्ते थे वहां पर।